हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने देश के सबसे पहले आरआरटीएस परियोजना पे। एनसीआरटीसी ने आज हमें मौका दिया है कि भारत के सबसे पहले आरआरटीएस ट्रेन के अंदर हम और आप चले और एक्सपीरियंस करें कि कैसा एक्सपीरियंस होता है हमारा आपका इस भारत के सबसे पहले आरआरटीएस ट्रेन के अंदर ट्रेवल करने का। आज बात उसकी होगी जिसका हमें और आपको बरसों से इंतजार था। इस वक्त जहां पर मैं हूं यह है साहिबाबाद स्टेशन और इसी साहिबाबाद स्टेशन से यह स्टार्ट होकर आगे जाएगा दुहाई डिपो को। 17 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया जाना है, यानी कि अब हम और आप 20 अक्टूबर के बाद इस ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ मिलता भी है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है भारत के सबसे पहले आरआरटीएस ट्रेन के अंदर। फिलहाल ये ट्रेन रुकी हुई है, इसी वजह से ये जो प्लेटफॉर्म डोर है ना, ये ओपन है भाई। ये ट्रेन जो है ना, इसका गेट जो अगर बंद रहेगा ना, तो ये प्लेटफॉर्म जो डोर आप देख रहे हो ना, ये भी बंद ही रहेगा भाई। तो पहले खुलेगा प्लेटफॉर्म डोर, उसके बाद खुलेगा ट्रेन का डोर। दोनों खुल चुका है तो इसलिए हम और आप इसके अंदर चलते हैं। फाइनली हम और आप आ चुके हैं भारत के सबसे पहले आरआरटीएस ट्रेन के अंदर, जो कि चलने को तैयार है साहिबाबाद से दुहाई तक। और इसके अंदर आज हम पहली बार ट्रेवल करने वाले हैं। दोस्तों, भारत के इंजीनियर्स ने इस ट्रेन को बनाया है। ट्रेन का डिजाइन बड़ा ही कमाल का है। इसका प्रोटोटाइप भी मैंने आपको दिखाया, उसके बाद जब एक्चुअल ट्रेन आई तो भी हमने और आपने देखा। आज हम और आप फाइनली इसके अंदर ट्रेवल करने वाले हैं। इसके अंदर 6 कोच होंगे, पहला जो कि प्रीमियम होगा, उसके बाद जो सेकंड होगा वो होगा महिलाओं के लिए, और जो 4 होंगे वो होंगे सभी के लिए भाई। जी हाँ, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। स्टैंडर्ड और प्रीमियम दो कैटेगरी ट्रेन के अंदर रखी गई है। स्टैंडर्ड जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये सबसे फेवरेट सीट है वैसे बाय द वे मेरा, और इसी के ऊपर बैठकर मैं ट्रेवल करने वाला हूँ, क्योंकि इस ट्रेन में जितनी भी सीटें ना, उसके मुकाबले मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना, वो यही है भाई। यहाँ पर आपके सामान को रखने के लिए स्पेस भी दिया गया है, तो इस पर आप आसानी से अपने सामान को रख सकते हो। चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं, USB है ये भाई ये। तो अगर आप इस सीट पे बैठते हो, अगर आपको अपने फोन को चार्ज करना है तो आप चार्ज कर सकते हो, ये फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की गई है। USB केबल के जरिए आप अपने फोन को आसानी से चार्ज कर सकते हो और ट्रेवल कर सकते हो। अब मैंने बोला कि ये मेरा सबसे फेवरेट सीट है, वो इसलिए भाई कि देखो, एक तो अच्छा खासा आराम से बैठ सकते हो, साथ ही साथ मैं अपने सामने से भी देख सकता हूँ विंडो से जो इस ट्रेन के नज़ारा, और यहाँ पीछे से भी नज़ारा देख सकता हूँ। तो इसी वजह से ये मेरा सबसे फेवरेट सीट है। जब भी मैं ट्रेवल करूँगा आरआरटीएस की ट्रेन में, यही सेलेक्ट करने वाला हूँ सीट में। इन सीटों पर भी अगर आप बैठोगे तो यहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं USB के जरिए, और उसके अलावा आप अपने फ़ोन को भी यहाँ पर रख सकते हो भाई। तो ये हर सीट के पीछे ये फैसिलिटी दी गई है, और स्पेस देखोगे लेग स्पेस तो अच्छा खासा है जी। तो अब ये फाइनल ट्रेन है जो दिखा रहा हूँ, यही कुछ मिलने वाला है आपको, और बहुत सारी फैसिलिटी है। पिछली बार जब मैंने ट्रेन के अंदर का दिखाया था, उस वक्त पे सीट नंबर नहीं था, क्योंकि वो सर्विस के लिए स्टार्ट नहीं किया गया था। आज फाइनली ये सर्विस के लिए स्टार्ट की गई है, तो सीट नंबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये इस ट्रेन का आखिरी कोच है जहां पर व्हीलचेयर के लिए भी फैसिलिटी दी गई है। दोस्तों, इस जगह पर आराम से व्हीलचेयर के साथ साथ स्ट्रेचर्स भी लगा सकते हैं। ये देखिए, स्ट्रेचर का एरिया और साथ साथ व्हीलचेयर, ये दोनों के लिए स्पेस यहां पर दिया गया है, जो कि आपको अभी तक फिलहाल मेट्रो के अंदर देखने को नहीं मिलता था। ये जो स्टेप उठाया है एनसीआरटीसी ने, ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ये फैसिलिटी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, फाइनली जर्नी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, इंडिया के सबसे पहले आरआरटीएस ट्रेन के अंदर। पहली बार हमें और आपको मौका दिया गया है इस ट्रेन के अंदर बैठने का और ट्रेवल करने का, एक्सपीरियंस करने का कि किस तरीके से भारत के इंजीनियर ने भारत की सबसे पहली आरआरटीएस की जो ट्रेन है वो बनाई है। जहां जहां पर ये ट्रेन रुकेगी उस जगह पर स्टेशन का नाम अनाउंस किया जाएगा, जब जब इसके डोर बंद होंगे तो वो भी आपको बताया जाएगा। वैसे इसका नज़ारा मैंने आपको ड्रोन से अक्सर आपको दिखाया है, लेकिन पहली बार ट्रेन के अंदर से आप जब इसका नज़ारा देखते हो, मन को मोह लेने वाला ये नज़ारा है। साहिबाबाद से हमने स्टार्ट किया था, गाजियाबाद को हम क्रॉस कर चुके हैं, गुंधर स्टेशन आने वाला है, और इसी का यहाँ पर ये दिखा रहा है कि गुंधर हम और आप पहुँचने वाले हैं। तो जहाँ पर जो भी स्टेशन आएगा ना दोस्तों, वो यहाँ पर डिस्प्ले होता रहेगा। तो इससे कहना है कि आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है।
और ये तो बस शुरुआत है, आने वाले वक्त में एनसीआरटीसी आपको और भी फैसिलिटी देगी और जैसे जैसे इसका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होता रहेगा हम और आप इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी देखते रहेंगे। फिलहाल हम और आप वापस साहिबाबाद की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दुहाई ये बहुत जल्दी पहुंच गया था, मतलब हमारी आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। वैसे ट्रेन मूव कर रही है और मैं इस ट्रेन में खड़ा हूँ अभी, लेकिन आपको ऐसा कुछ फील नहीं होता है। अब देख रहो, इसको बोलते हैं कंफर्ट। ट्रेन के अंदर क्या कुछ होने वाला है उसके अंदर हमने अपने ट्रेवल भी कर लिया है, जर्नी को एक्सपीरियंस भी किया है। अब तो मैं आपको बताता हूँ कि प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कुछ आपको मिलता है। यहाँ पर ये जो आप देखेंगे तो ये प्रीमियम में जाने के लिए यहाँ पर डोर्स लगाए गए, तो जिनके पास प्रीमियम का टिकट होगा वही इस हिस्से को क्रॉस करके प्रीमियम वाले हिस्से में जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट बॉगी होने वाला है वो महिलाओं के लिए है, इसी वजह से प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाए गए हैं, इसके ऊपर भी दिखेगा स्टिकर्स लगाए गए हैं, पेस्ट किए गए हैं, जो पे लिखा हुआ है केवल महिलाएं, विमेंस ओनली। ये जो स्क्रीन डोर्स है इस पर भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ ट्रेन के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि कहाँ पर किस कौन सा स्टेशन होने वाला है। ये जो भाई आप देख रहे हो यहाँ पर, एक्चुअली ये जितने भी नाम आप दिख रहे हैं ऐसा नहीं कि हर जगह पे आरआरटीएस की ट्रेन रुकेगी, इसमें कुछ मेट्रो का भी हिस्सा है, इसमें आरआरटीएस का भी हिस्सा है, मेट्रो मतलब मेरठ मेट्रो और साथ ही साथ आरआरटीएस। तो ये यहाँ पर इन्होंने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, ये जो ब्लू आप देख रहे हो ये मेट्रो स्टेशन होने वाला है और रेड जो आप देख रहे हो ये आरआरटीएस का स्टेशन होने वाला है, मतलब इन्हीं जगहों पर आरआरटीएस की सर्विस आपको मिलेगी जी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये जंगपुरा से दिल्ली के, फिलहाल इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सराय काले खान पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, न्यू अशोक नगर भी, आनंद विहार। और वैसे मैं आपको बता दूं ये जो न्यू अशोक नगर और आनंद विहार है ये अंडरग्राउंड हिस्सा होने वाला है। उसके बाद आप आ जाइए साहिबाबाद पे, जहाँ पे हम और आप इस वक्त पे हैं और ये लिखा भी हुआ है आप यहाँ पर हैं। उसके बाद इसके जो आगे का हिस्सा है, गाजियाबाद बनकर तैयार है, गुलधर बनकर तैयार है, दुहाई बनकर तैयार है, दुहाई डिपो भी बनकर तैयार है। डिपो यहीं पर आकर ट्रेन इसकी जो है वो रुका करेगी, ट्रेन का घर होने वाला है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ और शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम, तो ये आरआरटीएस का स्टेशन। बाद बाकी ये जो जितने भी नाम आपको नीचे देख रहे हैं इसका भी कंस्ट्रक्शन का काम एनसीआरटीसी ही कर रही है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरठ मेट्रो की सर्विस रुकेगी। और इस जगह पर यहाँ पर ये जो स्टेशन आप देख रहे हो जैसे मेरठ साउथ है, यहाँ पर दोनों ट्रेन रुकेगी, आरआरटीएस की भी मेट्रो की भी, और यहाँ पर इंटरचेंज होगा। तो अगर आप आरआरटीएस से आते हो सरायकाले खां से, मेरठ साउथ में आप आओगे और यहाँ पर इंटरचेंज के जरिए आप मेरठ मेट्रो को कनेक्ट करके मेट्रो की सर्विस भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है और ये डिस्प्ले बोर्ड पे आपको आसानी से दिख जाता है। फूड वेंडिंग मशीन आपको ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा, ये है फूड वेंडिंग मशीन जो कि यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। प्रीमियम का जो कोच है उसके अंदर तो फूड वेंडिंग मशीन आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको खाने पीने की सारी चीज़ें रखी गई हैं। ये आप कैश से भी ले सकते हैं और साथ ही साथ यूपीआई, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी आप यूज़ करते हो यूपीआई के जो ऐप है, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो या फिर फ़ोनपे हो, उसके जरिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप उस प्रोडक्ट का यहाँ पर नंबर दबाओ, प्राइस आ जाएगा और वो प्रोडक्ट यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो भाई इस जगह से। तो ये सेम फैसिलिटी आपको ट्रेन के अंदर भी देखने को मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात पैसे की, कि कितने रुपए लगने वाले हैं ट्रेवल करने के लिए। तो ये है टिकट वेंडिंग मशीन दोस्तों, आप जैसे स्टेशन पे आते हो तो आपको यहाँ पर टिकट वेंडिंग मशीन मिलेगी। यहाँ पर दो ऑप्शन है भाई, ये बाई टिकट और ये ऑपरेशंस, यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखेगी तो हमें और आपको क्लिक करना है बाई टिकट पे, ठीक है। दो कैटेगरी जैसा कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड और प्रीमियम का, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड, ठीक है। अभी मैं फिलहाल साहिबाबाद स्टेशन पे हूँ, हमें ये सेलेक्ट करना है कि किस स्टेशन तक जाना है। मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ दुहाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिटेल आ गया है कि भाई कहाँ पर जाना है, ये पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि किस स्टेशन पे कितने पैसे लग। हम और आप हैं इस वक्त पे साहिबाबाद पे, तो गाजियाबाद और गुलधर 30 रुपीज़, दुहाई 40 और दुहाई डिपो जो कि इसका अगला स्टेशन है वो 50 है। चलिए हम और आप सेलेक्ट कर लेते हैं गाजियाबाद ही, गाजियाबाद। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है सिंगल या रिटर्न, आप दोनों, ये जैसे मान लो सुबह आप ऑफिस को जाते हो और शाम को आपको आना है तो आप रिटर्न जर्नी भी सेलेक्ट कर सकते हो, पर्सन भी सेलेक्ट कर सकते हो। सिंगल सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ पर्सन 1,
अब यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो UPI के साथ साथ ना यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाँ कैश भी आप दे सकते हो भाई। तो अगर चलो मैं UPI सेलेक्ट करता हूँ पहले या कार्ड करता हूँ, ये यहाँ पर देखोगे ना कार्ड है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको, ये रहा, आप अपने कार्ड को यहाँ पर इंसर्ट कीजिए, टैप भी कर सकते हैं इसके ऊपर अगर आपके पास टैप की फैसिलिटी है तो। टैप करने के बाद आप का जो पैसा है वो डिडक्ट हो जाएगा और फिर आपको यहाँ से टिकट मिल जाएगा जी। वैसे ये वाला जूसा देख रहा हूँ, अगर आपको कैश पे लेना है टिकट तो ये है, यहाँ से आपको अपने कैश को इंसर्ट करेंगे फिर टिकट की फैसिलिटी जो आपको मिल जाएगी। स्टैंडर्ड का तो मैंने आपको बता दिया, अभी ये प्रीमियम वाला भी देख लेते हैं कि भाई प्रीमियम पे क्या कुछ चार्जेस लगने वाले हैं। तो ये है प्रीमियम का ऑप्शन, मैंने ऑप्ट किया है और मैंने सेलेक्ट कर लिया है चलो दुहाई डिपो स्टेशन। तो ये है चार्जेस जो कि होने वाला है प्रीमियम का। तो गुंदर जो कि स्टैंडर्ड में आपको 30 रुपीज़ पे करना पड़ता है, प्रीमियम में आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, तो सिर्फ 20 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन फैसिलिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। आत्मनिर्भर आपको बनाया है कि आपको जहाँ भी जाना है आप खुद सेलेक्ट कीजिए, आपको रिटर्न चाहिए या सिंगल चाहिए वो भी आप खुद सेलेक्ट कीजिए, पेमेंट मोड भी आप सेलेक्ट कीजिए। ये अच्छा है कि डे वन से इन्होंने UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और कैश की फैसिलिटी दी है जी हाँ, जिससे कि बहुत आसान हो जाएगा टिकट खरीदना NCRTC के इस दिल्ली मेरठ RRTS की परियोजना पे। तो चलिए इसी के साथ आज का ये जो अपडेट है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी और परियोजना पे किसी और अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।